देंगे ए वतन तेरे लिए। नमस्ते, आज मैं बनाने वाली हूँ ट्राइकलर ढोकला। आज का ये रेसिपी मैं इंडियन आर्मी को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि इंडियन आर्मी 24/7 हमारे देश की रक्षा करते हैं, तभी हम चैन से अपने घर में सो सकते हैं। तो इस रेसिपी को मैं डेडिकेट करती हूँ इंडियन आर्मी को, और दशोभुजा की तरफ से हर भारतवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी ट्राइकलर ढोकला। फूल ले लिया, और यहाँ पे लूंगी मैं बेसन, वो भी 1 कप। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप बेसन, और अब मैं लूंगी 1/2 कप सूजी, और अब मैं लूंगी दही, वो भी लेंगे हम 1/2 कप। तो मैंने ले लिया है 1/2 कप दही, ये देखिए 1/2 कप, 1/2 कप दही। अब लेना है पानी, करीब मैं पहले 1 कप पानी इसमें डालूंगी। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके देना है, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून चीनी शुगर और 1 टीस्पून नमक। ये अभी देखने में थोड़ा ज्यादा पतला लग रहा है, लेकिन इसे हम अभी आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो सूजी जो है वो सूजी थोड़ा फूलेगा, तो फूलने के बाद ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो आधे घंटे तो हो गया है, और ये अभी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इसे हम 3 इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड कर लेंगे। यस, देखिए इक्वल 3 क्वांटिटी में मैंने इसको ले लिया है। तो मैं एक एक करके कलर को मिलाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर तो नहीं है, तो इसीलिए मैं येलो और रेड ये दोनों मिक्स करके ऑरेंज कलर दूंगी, और ये फूड कलर देने से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और अब एक इम्पोर्टेंट बात, ये पूरे ढोकले में हम देंगे 1.5 टीस्पून इनो। तो यहाँ पे तीनों टोकरियां है, तो एक एक टोकरी में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून करके, ये देखिए 1/2 टीस्पून इनो, 1/2 टीस्पून इनो। याद करके पहले कलर देना है, उसके बाद इनो देना है। इनो देने के साथ साथ इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, देखिए, और इनो देने के बाद बहुत सारा हिलाना नहीं है, बस थोड़ा सा मिला देना है इसको। अब ऐसे मैं स्टील का एक टिफिन बॉक्स ले लिया है, अब इसमें हम ऑयल ब्रश कर लेंगे। अब इसको ऐसे टैप कर देना है, ताकि अंदर कोई भी एयर ना रह जाए। अब इसमें देंगे थोड़ा सा पानी, और ऐसे कोई स्टैंड को इसमें प्लेस कर देंगे। पानी तो पूरा गर्म हो गया है, और ये हम दे दे रहे हैं,
और इसको अभी 3 मिनट तक वेट करना है ताकि ऊपर का लेयर पूरी तरह से पक जाए, फिर हम दूसरी लेयर इस पे डालेंगे। और फ्लेम अब हम बीच का लेयर रेडी करते हैं, इस पे भी हम देंगे 1/2 टीस्पून इनो। ये देखिए ये लेयर एकदम रेडी हो गया है, देखिए। तो बीच का लेयर को हम इस पे दे देंगे। और देने के बाद थोड़ा टैप कर देंगे। और यहाँ पे देखिए पानी बहुत कम हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। और फिर थ्री मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया है। और अब मैं थर्ड लेयर रेडी कर रही हूँ। अभी इसको रख देना है करीब 20 मिनट के लिए, ये पूरा पकेगा और फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। देखिए करीब आधा घंटा हो गया है और मैं इस फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। अभी इसको ठंडा करने के लिए रख देना है और भी आधे घंटे से 40 मिनट तक। पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसको निकालिए, नहीं तो ये टूट सकता है। यस, देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसका कलर आया है। वाओ! अब इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए ऐसे एक पैन लेना है, थोड़ा सा ऑयल मैं दे रही हूँ। इसको थोड़ा गर्म होने के बाद देंगे ऐसे राई। अब इसमें देंगे कड़ी पत्ता और ये ग्रीन चिली। अब इसमें देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शक्कर। अब देंगे थोड़ा सा पानी। इस ढोकले को हम सही तरीके से काट लेंगे। बस मैंने इसको काट लिया है, इसके ऊपर देंगे तड़का। बस रेडी हो गया मेरा ट्राई कलर ढोकला।